आपको किस टीम से ज्यादा डर है? एलविश की टीम? वो क्या होता है? सो गाइस, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है एलविश यादव को लेकर के और वैसे एशियल क्रिकेट मैच को लेकर के। तो नीतीश चिट्टाला के बारे में बात करते हैं, तो वैसे इन्होंने बहुत ही भयानक बल्लेबाजी की थी और इन्होंने 119 रन बनाए थे वैसे 35 बॉलों के अंदर, जिसमें दो मतलब कि सौके और वैसे 18 छक्के झड़े थे इन्होंने। और वहीं पर उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप एलविश यादव की टीम में क्यों नहीं हो, या फिर उनके सिस्टम से डरते हो, या फिर उनकी टीम में क्यों नहीं हो, तो रीज़न पूछा था। और वहीं पर वैसे उन्होंने मतलब कि क्या रिप्लाई दिया है न्यूज़ वालों को और मतलब कि कंट्रोवर्सी भी बढ़ने वाली है। आप देखिए वो वीडियो। एलविश की टीम, वो क्या होता है? अच्छा, आप सिस्टम को हैंग करना चाहते हैं? नहीं, सिस्टम वर्ड उनका अपना अलग होगा, बट डर एक गेम है, तो ठीक है, उनका एक अपना अलग नजरिया है, हमारा अलग नजरिया है, तो जैसे यहाँ पे बस हैंग करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मौके की बात है, हमारा ऊपर आ गया तो हम कर देंगे। उनका अलग मिलता है बैटिंग में, आपको लगता है? बिल्कुल मिलता है, वो तो बॉल बैट से लगेगा तो ऑब्वियसली बात है, छक्का जाएगा। क्रिकेट है तो उसमें टाइमिंग का ज्यादा खेल है, स्टैंड से बॉल आप मार सकते हो बट हवा में उठ जाएगी ना, तो टाइमिंग चाहिए भाई। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंसाफी नहीं है, प्रैक्टिस आपने एलविश भाई के साथ कहीं खेला दिल्ली के लिए? यार अब नहीं नहीं ऐसे कोई ये चीज, मेरे बहुत से भाई हैं जो ये चीज का जवाब जाते हैं, मुझे वहां से शायद उन्हें मैं डिजर्विंग नहीं लगा उनकी टीम में, शायद उनका ग्रुप थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उन्हें नहीं डिजर्विंग लगा, मैंने पूछा भी तो वहां से मतलब कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मुझे अपनी दिल्ली से मिली, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो कोई प्रोफेशनल लीग नहीं है, एंटरटेनर सब भाई है, सब लोग बहुत सारे भाई हैं, सारे ऑफ कैमरे भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, तो जहां से आपको मौका मिले परफॉर्म करने वहां से खेलते हैं। यहां पर देखा कि वो उनके साथ प्रैक्टिस करते थे एलविश यादव के साथ में, लेकिन भाई साहब खेलते हैं भाई साहब उनके दूसरी टीम में, तो यहां पर इन्होंने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी बात की है वो तो बिल्कुल भी सही बात है, लेकिन बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताना। और अब हम बात करते हैं, सो अब हम बात करते हैं फुकरा इंसान वर्सेस अभिषेक मलानिया के फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई साहब मुनव्वर फारूक ने एक मैच जीता था बहुत ही अच्छी तरीके से, और वहीं पे फुकरा इंसान एक मैच मतलब के हार भी जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन वो हार जाते हैं। उसके बाद सभी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग उन सभी का यही कहना था कि फुकरा इंसान दूसरी बॉल में बिना कुछ रन बनाए आउट हो जाते हैं, विकेट गिर जाता है, लेकिन अभी ये अपडेट ऐसा आ रहा है कि ये जो मैच हुए इनके बाद तीन मैच होने वाले, पहले दो दो हुए थे, अब तीन मैच होने वाले और वो जो टीम के साथ होने वाले का मैं अपडेट बता देता हूं आपको। सो रात 8 बजे जो पहला मैच होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली वर्सेस लखनऊ के बीच में, दूसरा है बेंगलुरु वर्सेस पंजाब के बीच में, और तीसरा है हरियाणवी हंटर्स वर्सेस मुंबई। तो ये मतलब के तीनों टीम का सामने सामने मुकाबला होने वाला है, कुल 6 टीमें हैं, और आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताना।